नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जसराना के ग्राम बनवारा में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न। ब्लॉक प्रमुख एका संध्या राजपूत रही मौजूद। जसराना के ग्राम बनवारा में बुधवार को फिरोजाबाद जिले के कमांडेंट विनोद कुमार झा एवं ब्लॉक प्रमुख संध्या राजपूत एवं जसराना चेयरमैन अवनीश गुप्ता द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में अमृत सरोवर पर लगभग 200 पौधों का रोपण किया गया। बता दें कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष में अमृत सरोवर पर होमगार्ड विभाग द्वारा 200 पौधे लगाए गए। संध्या राजपूत एवं अवनीश गुप्ता और होमगार्ड जिला फिरोजाबाद कमांडेंट विनोद कुमार झा की अध्यक्षता में पौधों को लगाया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों के साथ भारी संख्या में होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। बताया गया कि होमगार्ड विभाग की तरफ से लगातार जिले में वृक्षों को लगाया जा रहा है, जिससे जनपद में होने वाले वृक्षों के माध्यम से पानी की समस्या को दूर किया जा सके। इसी वजह से लगातार वृक्षारोपण करके पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या कहा आगे की रिपोर्ट में देखिए ऋषि पंडित के साथ। वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो था ये होमगार्डों के साथ हमने किया है और इसका उद्देश्य था कि जल संरक्षण किया जाए, तालाबों को बचाया जाए जिसकी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है पूरे उसमें। उसकी उस उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए माननीय योगी जी ने सभी पूरे प्रदेश के तालाबों के मॉडिफिकेशन के लिए ये कदम उठाए, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है और जनता के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। थैंक यू। कितने यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं अभी? 200। अभी कम से कम 200 पेड़ लगाए गए हैं। अच्छा, ये देखा जाता है जैसे पेड़ लगाने के बाद उनका रखरखाव नहीं होता, तो क्या कहना चाहेंगे? पेड़ लग जाते हैं, बाद में सूख भी जाते हैं। सूख भी जाते हैं, वो पर्यावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ शायद हम लोग उतना समय नहीं दे पाते। तो क्या आपको तो मैं ये कोशिश करूंगी कि जो यहाँ पेड़ लगे हैं उसके लिए कि हम लोग इसकी व्यवस्था करें और हमारे यहाँ जो नरेगा प्रदान कर रहे हैं उनकी देखभाल करें। जी, थैंक यू। जय भारत। आज यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया? देखिए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के 72वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनका ये विचार है कि जो जल संरक्षण, जो मोदी जी का सपना है कि जल बचाओ जीवन बचाओ, और जल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके निमित्त उन्होंने तालाबों को संरक्षण के लिए कदम उठाया गया और उसके लिए आदेश दिया गया कि जहां गांव में जो तालाब सूख गए थे या जो सरोवर थे उनको फिर हरा भरा किया जाए और उसके आसपास जो वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि वातावरण हमारा सुदृढ़ हो, लोगों को जीवन मिले, ऑक्सीजन मिले प्रॉपर, इसके निमित्त ही ये कार्यक्रम रखा गया है। और मैं आप सभी गाँववासियों से, प्रधान जी से, ब्लॉक प्रमुख जी से, कंपनी कमांडर जी से सबसे यही अनुरोध करने आया हूँ कि ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर एक एक वृक्ष जरूर लगाना है, उनका संरक्षण करना है, क्योंकि वृक्ष तरह का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। अगर वृक्ष रहेंगे तो हम सब रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। इसलिए सभी का ये इसमें योगदान होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रत्येक वृक्ष को अपने बालक की तरह सजो संवार कर रखें और उसको हरा भरा होने में उसकी मदद करें। धन्यवाद। होमगार्ड विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम था और क्या संदेश है? देखिए, प्रकृति का संरक्षण हम सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व है और जैसा कि हमारा विभाग है जिसमें लगभग 1 लाख हमारी जनशक्ति है, तो हमारे विभाग में माननीय मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी ने और हमारे डीजी साहब ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि जनता के समान हम लोग भी अपनी सहभागिता जो है प्रकृति के और जल संरक्षण में निभाएँ। और इसी कड़ी में हम लोगों ने हर विकास खंड में 1 और 2 अमृत सरोवरों का चयन किया है, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण सघनता से कर रहे हैं। इसमें हम अपने जनता के भी सहभागी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का भी हमको सहयोग और सानिध्य मिल रहा है और इसी कड़ी में हम लोगों ने आज यहाँ लगभग 200 पौधों का रोपण किया है। आगे भी हमारे विकास खंडों में कार्यक्रम है जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। जौनामई में भी हमारे एक कार्यक्रम अभी है, आज ही जौनामई औरंगाबाद में, वहाँ भी लगभग 200 पेड़ हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। लगभग डेली कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य है इसमें? देखिए, वो तो जैसे जो कैपेसिटी है तालाबों की उसी हिसाब से, कहीं 75 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 150 हैं, कहीं यहाँ 410 का था दोनों तालाबों को मिला के, तो वो हम कर रहे हैं। और हमारी भी गाँव वासियों से अपील है कि इसको अपने बच्चों की तरह इसका सेवा करें और इसका संरक्षण अगर आप कर ले गए तो देखिए जो प्रकृति में बदलाव हो रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो जल का स्तर नीचे जा रहा है, उसको हम संरक्षित कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर जीवन और जल जो है छोड़ पाएंगे।